नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ आधुनिक भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक बंगाल के इतिहास के बारे में। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने बंगाल में अपना आधिपत्य स्थापित किया और धीरे धीरे भारतीय राजनीति में उनका प्रवेश शुरू हुआ। इसी चैप्टर के अंतर्गत हम दो महत्वपूर्ण निर्णायक युद्धों के बारे में देखेंगे। जी हाँ, पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये दोनों ऐसे निर्णायक युद्ध थे जिनके माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्यवादी भवन की नींव का पहला पत्थर रखा था। जी हाँ दोस्तों, पलासी का वही युद्ध जो मीर जाफर की गद्दारी, राजद्रोह और सिराजुद्दौला के दरबारियों के धोखे की वजह से याद रखा जाता है। बक्सर का वो युद्ध दोस्तों जिसमें अंग्रेजों ने अपने सैन्य कौशल का उचित परिचय देते हुए अपनी जीत कायम की और वहीं से बंगाल की राजनीति में प्रवेश किया। बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो प्रथम संधि हुई, द्वितीय संधि हुई, उसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से बंगाल में अकाल पड़ा, बंगाल में उसी दौरान में द्वैत शासन लगाया गया और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे लॉर्ड क्लाइव ने किस प्रकार से बंगाल में कुछ सुधारात्मक प्रयास किए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। आधुनिक बंगाल का पूरा इतिहास हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये वीडियो देखने से पहले आप जरूर वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, जिसमें मैंने पुर्तगालियों, डचों, फ्रांसीसियों, अंग्रेजों इत्यादि सभी के बारे में बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने भारत में प्रवेश किया, किस प्रकार से उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां खोली और किस प्रकार से अंग्रेजों ने सबको पराजित करते हुए अपना आधिपत्य भारत में जमाया। तो वो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और मैं चंद्रवर्धन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं पीसीएस एडुकेयर में। इससे पहले कि हम लोग बंगाल का इतिहास देखें, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि अंग्रेज बंगाल की तरफ आखिर आकर्षित हुए क्यों थे। बंगाल जो था उसमें ऐसा क्या था कि अंग्रेज जो थे वो बंगाल में अपना आधिपत्य जमाने के लिए प्रेरित हुए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल जो था वह मुगल सल्तनत के तहत एक सूबा हुआ करता था, एक बहुत ही समृद्ध सूबा हुआ करता था। ठीक है, यहाँ का जो व्यापार था, जो आपका उपजाऊ भूमि थी, वह बहुत ही ज़्यादा अंग्रेजों को आकर्षित करती थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि बंगाल के अंतर्गत यहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, आगे हम लोग देखेंगे भी कि 1912 में बंगाल से बिहार तथा उड़ीसा को अलग किया गया था। तब तक, उससे पहले तक 1911 तक जो है बिहार और उड़ीसा बंगाल के ही भाग हुआ करते थे और फाइनली 1936 में बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिल गया था, वहाँ से उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया था बिहार से। ठीक है, तो यहाँ पर यह समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बिहार और उड़ीसा भी जो थे वह बंगाल के अंतर्गत ही उस समय आते थे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूबा हुआ करता था। ठीक है, समृद्धि की अगर बात करें, यहाँ के व्यापार की बात करें, तो 18वीं शताब्दी में बंगाल से यूरोप को बहुत सारा कच्चा माल का निर्यात किया जाता था। ठीक है, जिसमें चावल था, सोरा था, सोरा जो कि पटना से निर्यात हुआ करता था, बिहार से निर्यात हुआ करता था। इसके अलावा आप ढाका का मलमल देख सकते हैं, सोरा जो कि बड़े बारूद बनाने में काम आता है, आपको पता होगा अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, बिहार का जो इतिहास मैंने बताया है उसमें देखा होगा कि पटना से सोरा का निर्यात हुआ करता था। इसके अलावा बांग्लादेश के ढाका से उस समय मलमल का निर्यात हुआ करता था। बांग्लादेश तो अब जाके बना है 1971 में, पहले तो भारत का ही अंग हुआ करता था और बंगाल का ही अंग हुआ करता था, है ना। तो ढाका से मलमल, रेशम का निर्यात हुआ करता था। इसके अलावा कढ़ाई बुनाई की सामग्री इत्यादि का भी निर्यात यहाँ से हुआ करता था। बंगाल से जूट का भी निर्यात हुआ करता था, है ना। तो ये सब चीज़ों को मिला करके यदि हम देखें तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में एशिया से जो यूरोप को निर्यात होता था उसका 60% निर्यात केवल और केवल बंगाल ही
ही करता था, तो यहाँ की समृद्धि आप सोच सकते हैं कि कितना व्यापार यहाँ का उन्नत हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ की जमीन भी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी। आज भी आप देख सकते हैं कि बिहार, बंगाल इत्यादि की जमीन कितनी ज़्यादा उपजाऊ है, चावल की कितनी ज़्यादा खेती होती है यहाँ पर, है ना। तो खैर, अब तो खैर हरित क्रांति के बाद होने लगी है, लेकिन उस समय भी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी थी और बहुत ज़्यादा खेती हुआ करती थी। इसके अलावा यदि देखें तो अंग्रेजों को जो है दक्षिण भारत में मराठों से और कर्नाटक से जो था वो बहुत ज़्यादा खतरा हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा सिखों का, जाटों का आक्रमण जो है वो भी बराबर झेलना पड़ता था उनको, है ना। तो उन पर नियंत्रण करने के लिए, इन सभी दुश्मनों पर नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों को बहुत ही ज़्यादा धन और संपत्ति की जरूरत थी, सैनिकों की जरूरत थी, और इन दोनों की आपूर्ति बंगाल से संभव थी, ठीक है। इसके बाद यदि देखते हैं तो बंगाल का लोकेशन यदि देखिएगा तो पूरब भारत के पूर्वी तट पर जो है वह स्थित है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी जिधर है, आप पूरब में देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है जो है आपका बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अब वहाँ पर स्थित होने के कारण जो है अंग्रेज जो है उस तट पर बंदरगाह के माध्यम से अपना सामान जो है आसानी से इंपोर्ट कर सकते थे और एक्सपोर्ट कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि वह समुद्र तट पर स्थित था बंगाल, है ना। तो इसलिए भी जो रणनीतिक रूप से, व्यापारिक रूप से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब देखते हैं कि बंगाल पर जो है जो मुगल शासक थे, जो परवर्ती मुगल शासक थे, उनका भी बंगाल की राजनीति पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था। उनका भी जो है वो जो क्या बोलते हैं नियंत्रण जो था वह बंगाल पर कमजोर था। इसके अलावा यदि आप देखें तो सारे भारत में अशांति का वातावरण था, सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, मराठा, राजपूत, सिख, जाट, आपका कर्नाटक, हैदराबाद, सब आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन बंगाल जो था वह शांतिपूर्ण बना हुआ था। तो अंग्रेज इस वजह से भी बंगाल की तरफ आकर्षित हुए थे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि अंग्रेजों का भारत बंगाल में आखिर प्रवेश कैसे हुआ। 1651 में शाह शुजा, जो कि शाह जहां का द्वितीय पुत्र था, नाम क्या था, शाह शुजा, उसकी अनुमति से अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री हुगली में स्थापित की, 1651 ईस्वी, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि उसी समय शाह शुजा ने एक लेडी अंग्रेज डॉक्टर थी, नाम था डॉक्टर बॉटन, उनके चिकित्सा सेवा से प्रभावित होकर के डॉक्टर बॉटन को आपका बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी, ठीक है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो 1698 ईस्वी में अजीमुस्तान, जो कि उस समय बंगाल का तत्कालिक गवर्नर कह सकते हैं या फिर सूबेदार कह सकते हैं, उसने अंग्रेजों को सुतनौती, कोलकाता तथा गोविंदपुर की जमींदारी सौंप दी थी, ठीक है। और हम लोग आगे पढ़ेंगे या फिर आप पढ़े भी होंगे कि इन्हीं तीनों गाँवों को मिलाकर के जॉब चौरनौक ने 1690 ईस्वी में कलकत्ता नामक नगर की स्थापना की थी। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जाता है कि यह सेंटेंस याद रखिएगा पूरा कि 1690 में जॉब चौरनौक ने कोलकाता, सुतनौती और गोविंदपुर को मिलाकर के कलकत्ता नामक नगर की स्थापना की थी, ठीक है। और यहां पर हम लोगों ने देखा कि 1698 में इन तीनों गांवों की जमींदारी अजीमुस्तान ने अंग्रेजों को सौंप दी थी। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का जो है बंगाल में प्रवेश हुआ था, ठीक है। अब हम देखेंगे बंगाल के नवाबों के बारे में, ठीक है। बंगाल के नवाबों के बारे में देखें तो सबसे पहला जो है आपका मुर्शिद कुली खां के बारे में यदि हम लोग देखें तो 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाया था, ठीक है। लेकिन 1707 में, जैसा हम लोग जानते हैं, औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसका एक पोता था अजीमुस्तान, उससे मुर्शिद कुली खां का मतभेद होने लगा। और यही कारण था कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली। मुर्शिदाबाद नामक नगर की स्थापना भी किसने की थी, मुर्शिद कुली खां ने ही की थी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने 1717 ईस्वी में
मुर्शिद कुली खां को क्या बनाया था, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। अब बंगाल का सूबेदार उसको बना दिया और 1719 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी भी जो है उसके हाथों में आ गई थी, मुर्शिद कुली खां के हाथों में, ठीक है। लेकिन इसके समय में 3 जमींदारों ने विद्रोह किया था, जमींदारों का 3 विद्रोह हुआ। जो पहला विद्रोह था वह किसने किया था, तो सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था, ठीक है। दूसरा जो विद्रोह था वह सुजात खां के नेतृत्व में हुआ था और तीसरा जो विद्रोह था वह निजात खां के नेतृत्व में हुआ था। यह तीनों विद्रोही कौन कौन थे यह याद रखिएगा कि 3 विद्रोह किसके समय में हुए थे जमींदारों के, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो मुर्शिद कुली खां ने, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि मुर्शिद कुली खां ने इजारी दारी प्रथा या फिर इजरेदारी प्रथा भी किताब में लिखता है यह लागू कराया था अपने प्रांत में, जो कि टैक्स वसूलने की एक प्रणाली हुआ करती थी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में कुछ खास किताब में नहीं देता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसने मालगुजारी में नियमितता के लिए कठोर नियम बनाए थे और यही कारण था कि मालगुजारी का जो अदायगी होता था उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी, जो टैक्स आता था, जो कर आता था उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी और बंगाल जो है इसके समय में और भी ज़्यादा समृद्ध हो गया था, ठीक है। 1727 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई और तब तक यह बंगाल का सूबेदार बना रहा, मतलब बंगाल का नवाब बना रहा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है सुजाउद्दीन की। सुजाउद्दीन जो था वह मुर्शिद कुली खां का दामाद था, ठीक है, जो कि 1727 में बंगाल का नवाब बना था और 1739 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। इसके बारे में कुछ खास दिया नहीं जाता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है बीपीएससी के लिए खास करके कि इसी ने अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, ठीक है। और 1733 में इसके अधीन हो गया था बिहार। 27 में यह शासन पर बैठा था, मतलब नवाब बना था, 1733 में बिहार जो था वह इसके अधीन हो गया। इसने बिहार का सूबेदार किसको बनाया, अलीवर्दी खां को बनाया। और फिर जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि 1739 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जो है सरफराज जो कि इसका पुत्र था वह सत्ता पर आता है, मतलब कि बंगाल का नवाब बन जाता है। लेकिन यह मात्र छोटे से अवधि के लिए ही नवाब रह पाता है, 1739 में बनता है और 40 में जो है इसका अलीवर्दी खां का विद्रोह हो जाता है और अलीवर्दी खां इसको पराजित करके फिर जो है खुद बंगाल का नवाब बन जाता है। तो यह उतना ज़्यादा योग्य शासक नहीं था, ठीक है। हम लोग देखते हैं 1739 में एक वर्ष के अल्प समय के लिए यह जो था बंगाल का नवाब बनता है सरफराज, और इसके समय में ही जो है आपका बिहार के सूबेदार नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में, 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में जो है यह पराजित हो जाता है अलीवर्दी खां के हाथों और अलीवर्दी खां जो है आपका 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बन जाता है। अलीवर्दी खां जो था वह बहुत ही योग्य नवाब था बंगाल का, ठीक है, और उसने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। इसने सबसे पहले तो क्या किया कि जो आपके मुगल शासक थे उनको 2 करोड़ रुपया नजराना देकर के, 2 करोड़ रुपया नजराना देकर के और अपना जो पद था उसको अस्थाई करवा लिया, ठीक है, अपना पद जो था उसको अस्थाई बनाया। इसके बाद देखते हैं तो इसका जो शासनकाल था वह मराठों के संघर्ष में ही गुजर गया, ठीक है, मतलब कि मराठों से इसका बहुत ज़्यादा संघर्ष होता रहा पूरे शासनकाल के दौरान, ठीक है। लेकिन अंत में इसने क्या किया कि मराठा सरदार जो थे रघु जी उनके साथ संधि कर लिया और संधि के द्वारा जो है उसने क्या किया कि मराठों को उड़ीसा प्रांत दे दिया और उसके बाद जो है उनको कुछ चौथ देना स्वीकार कर लिया, ठीक है। कितना चौथ देना स्वीकार किया था, 12 लाख रुपया वार्षिक चौथ देना स्वीकार कर लिया, मतलब 1 लाख रुपया महीना हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने जो है मराठों के साथ संधि कर ली रघु जी के साथ, ठीक है। वह जो था वह एक योग्य शासक था, अलीवर्दी खां जो था वह एक योग्य शासक था और उसने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के लाख चाहने के बावजूद भी अंग्रेजों को कलकत्ता और
जो फ्रांसीसी थे उनको चंद्रनगर पर अपनी किलेबंदी नहीं करने दी थी, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह जरूर रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि अली वर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना छत्ते से की थी, मधुमक्खी के छत्ते से की थी। उसने कहा कि अंग्रेज ऐसे मधुमक्खी के छत्ते हैं जिन्हें अगर छेड़ा ना जाए, यदि न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगे, लेकिन यदि छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, जब भी बंगाल का इतिहास लिखने को आए कहीं भी क्वेश्चन में तो आप लिख सकते हैं, या फिर अली वर्दी खां के बारे में लिखना हो तो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तो 1756 ईस्वी में इसने क्या किया, अली वर्दी खां ने 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और यहीं से बंगाल के इतिहास में मोड़ आना शुरू हो जाता है। सिराजुद्दौला जो था वह अली वर्दी खां के सबसे छोटी बहन का पुत्र था, सबसे छोटी बहन का पुत्र था, अब सबसे और उत्तराधिकारी बहुत हो गया, इसका इसकी तीन बहनें थी, ठीक है, और तीनों बहन का बहुत सारा बेटा बूटा था, ठीक है। अब इसने क्या किया, सबसे छोटी बेटी के पुत्र को जो है अपना उत्तराधिकारी बना दिया और सिराजुद्दौला जो है गद्दी पर बैठ गया। सिराजुद्दौला उस समय अल्पवयस्क था और गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। अब उसके उत्तराधिकार का विरोध उसकी खुद की जो मौसी थी, जो सबसे बड़ी वाली मौसी थी, नाम था घसीटी बेगम, वो कर रही थी, ठीक है। इसके अलावा जो बंगाल के दरबार, बंगाल के नवाब के दरबारी थे, जो कि आपका सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर। इसके अलावा आपका बहुत सारे थे, और भी राय दुर्लभ था, जगत सेठ जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था बंगाल का, वो हो गया, सिताब राय हो गया, राय दुर्लभ हो गया, ये सब जो दरबारी थे और बाकी जो भी समृद्ध लोग थे बंगाल के, यह सब इसके उत्तराधिकार के विरोध में खड़े हो गए और एक गुट बना लिया इन्होंने, ठीक है, विरोधी गुट एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने बना लिया सिराजुद्दौला के विरुद्ध, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तराधिकार के मामले में जो है इसको धोखा का सामना करना पड़ा, ठीक। 1756 से 1757 तक मात्र एक साल के लिए यह रह सका, ठीक है। इसका एक चचेरा भाई भी था जिसका नाम था सौकत जंग, ठीक है। इन सब के बारे में तो बताया ही मैंने, घसीटी बेगम हो गए, सिताब राय, आपका मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ये सब तो थे ही गुट में। इसके अलावा एक इसका जो था चचेरा भाई भी था, जो कि पूर्णिया का सूबेदार था, पूर्णिया जो कि आज के डेट में बिहार में पड़ता है, तो पूर्णिया का सूबेदार हुआ करता था। नाम क्या था उसका, सौकत जंग। सौकत जंग भी जो था वह इसके उत्तराधिकार का विरोधी था, क्योंकि चचेरा भाई था, ठीक है। तो भाई भाई तो खैर उस समय जानबे करते हैं कि कितना ज्यादा मारकाट किया करते थे, ठीक है। तो इसने क्या किया, अक्टूबर 1756 में सिराजुद्दौला ने पूर्णिया पर आक्रमण कर दिया और अपने भाई को मार डाला, मतलब कि उसको पराजित कर दिया और उसको जो है मार डाला। तो इस प्रकार से एक दुश्मन को तो उसने मार गिराया, ले और इसी समय सिराज जो था, इस समय उसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी, सिराज में सिराजुद्दौला को कह रहा हूँ, उसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी। तो उसी समय जो है मुगल शासक ने उसको बिहार और उड़ीसा का भी जो है दीवानी अधिकार दे दिया, मतलब कि पूरा जो बंगाल था उसका वह नवाब बन गया, ठीक है। पहले केवल बंगाल का हुआ करता था, बाद में अस्थाई नवाब बन गया बिहार और उड़ीसा का भी, ठीक है, फरमान उसको मिल गया। अब देखते हैं तो सिराजुद्दौला का जो दीवान था उसका नाम था राजबल्लभ, वह जो था घसीटी बेगम का समर्थन कर रहा था, ठीक है। तो लगभग सारे जो थे इसके दरबारी इसके दुश्मन ही पड़े पड़े थे, ठीक है। उधर के देखते हैं हम लोग तो आप देख सकते हैं यूरोप में जो था वह सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था। सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ तो इधर भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ने लगे, और इस लड़ाई के कारण जो है दोनों ने अपनी अपनी किलेबंदी करने की सोची। अंग्रेजों का जो आपका फैक्ट्री था वो कोलकाता में था, और जो आपका फ्रांसीसी थे उनका फैक्ट्री आपका चंद्रनगर में था। दोनों जो है अपनी अपनी फैक्ट्रियों की किलाबंदी करने की सोचने लगे। अब सिराजुद्दौला सोचा कि इनको किलाबंदी नहीं करने देंगे, आपने देखा था कि अली वर्दी खान ने उनको किलाबंदी करने नहीं दिया था, तो इसने भी जो है उनको किलाबंदी करने से मना कर दिया। अब इसने जब किलाबंदी करने से मना किया तो फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज कहां मानने वाले थे, अंग्रेज नहीं माने। अब अंग्रेज नहीं माने और उसके बाद क्या हुआ कि एक जो आपका राजबल्लभ था उसका एक बेटा था,
ठीक है, कृष्ण बल्लभ नाम था उसका। वो क्या किया था, सिराजू दौला के दरबार से कुछ पैसा या धन जो है वो चुरा करके भाग गया था, और जो कंपनी वाले थे जो अंग्रेज थे उन्होंने उसको शरण दे दी थी, ठीक है, घसीटी बेगम के कहने पर। अब घसीटी बेगम के कहने पर उनको शरण तो दे दी अंग्रेजों ने, लेकिन सिराजू दौला को ये बात ये पता चल गई। अब सिराजू दौला बोला कि भैया हमको कृष्ण बल्लभ को लौटाओ, कृष्ण बल्लभ को जो है लौटाने से मना कर दिया कंपनी ने, और इस कारण से जो है सिराजू दौला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। अब सिराजू दौला गुस्सा हो गया, पहले से गुस्सा था ही कि भैया आप जो है फैक्ट्री का किलाबंदी कर लिए, मेरा अनुमति था नहीं, तो इस कारण से जो है उसने क्या किया कि आक्रमण ठोक दिया। अब उसने आक्रमण कर दिया, और सबसे पहले जो है उसने कहाँ पर कब्जा कर लिया, तो 4 जून 1756 को सिराजू दौला ने सबसे पहले कासिम बाजार पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया, और उसके बाद फिर जो है कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। 20 जून 1756 को सिराजू दौला ने कलकत्ता पर भी यानी कि फोर्ट विलियम पर भी अपना अधिकार कायम कर लिया, और वहाँ का जो आपका वो सेना नायक था जो अंग्रेज अधिकारी था, ड्रेक नाम था, और एक का नाम था मिनीचंद, ठीक है, तो ड्रेक और मिनीचंद जो है वो वहाँ से खदेड़ दिए गए, मतलब कि भाग के चले आए। अब वो जो वहाँ से भागे तो इसका खबर किसको पता चल गया, आपका पता चल गया किसको, लॉर्ड क्लाइव को पता चल गया। उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसको पता चल गया कि भैया जो ड्रेक थे और जो मिनीचंद था वह जाकर के भाग करके और फिर जो है फुलटा नामक का द्वीप था वहाँ पर शरण लिए हुए। तो अब क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वह अन्य सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर के और उसके बाद कलकत्ता पर धावा बोलने चला जाता है, और वहाँ पर जो है सिराजू दौला को भागना पड़ता है और अली नगर का संधि करना पड़ता है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ब्लैक होल दुर्घटना के बारे में, जो कि 20 जून 1756 ईस्वी की है। जब 20 जून 1756 को कलकत्ता पर सिराजू दौला ने अपना अधिकार किया, तो उस समय ऐसा एक मनगढ़ंत कहानी, एक अंग्रेज था जिसका नाम था जे हालवेल, ठीक है, जेड हालवेल, उस अंग्रेज ने अपना एक लेख लिखा था जिसमें कि उसने कहा कि सिराजू दौला ने क्या किया कि 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी, जिसका डायमेंशन भी बराबर पूछा जाता है किसी किसी एग्जाम में कि 18 इंच लंबा था वो और 14 फीट 10 इंच चौड़ा था, ठीक है, 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़ा था, उतनी छोटी सी फैक्ट्री में 146 अंग्रेजों को, ठीक है, उसने क्या किया, बंद कर दिया, ठीक है। और जब सुबह खोला गया उसको तो दम घुटने के कारण जो है सभी अंग्रेजों की मृत्यु हो चुकी थी, केवल 23 अंग्रेज जो थे वो उसमें बचे हुए थे, बाकी जितने भी अंग्रेज बचे 123 अंग्रेज जो थे वो सारे मारे जा चुके थे, ठीक है। तो यह मनगढ़ंत कहानी बताई जाती है, ऐसा क्यों है, तो भैया इतना छोटा कोठरी में 146 अंग्रेज को आप बंद कैसे कर दीजिएगा, ठीक है, उसमें बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन सबको बंद कैसे कर दीजिएगा, है ना। तो ये जो है थोड़ा सा मनगढ़ंत कहानी लगता है। इसके अलावा उस समय के समकालीन एक इतिहासकार थे जिनका नाम था गुलाम हुसैन, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है सिराउल मुतखरैन नामक पुस्तक में जो है गुलाम हुसैन ने इस घटना का कोई जिक्र नहीं किया है, जबकि समकालीन इतिहासकार थे और उस समय लिखना तो बड़ा आसान था, उस समय तो इतिहास आसानी से लिखा जा रहा था, है ना। तो यदि ऐसी कोई घटना वास्तविकता में हुई होती तो उन्होंने भी जरूर लिखा होता अपनी किताब में, तो ऐसा नहीं है, इसलिए इस कहानी को मनगढ़ंत बताया जाता है। अब आते हैं हम लोग अपने ओरिजिनल मुद्दा पर, जो था अली नगर की संधि। क्लाइव ने 2 फरवरी 1757 को मानिक चंद को घूस देकर के, मानिक चंद जो कि उस समय सिराजू दौला का ही एक वो था दरबारी था, उसको घूस देकर के 2 करोड़ रुपया घूस देकर के और उसके बाद जो है सिराजू दौला को हरा दिया। तो आप देख सकते हैं सिराजू दौला के साथ हमेशा धोखा ही धोखा होता रहा, ठीक है। तो उस समय भी घूस देकर के और उसके बाद जो है कलकत्ता पर अपना कब्जा कर लिया रॉबर्ट क्लाइव, है ना। अब रॉबर्ट क्लाइव था उसने क्या किया कि अधिकार कर लिया कलकत्ता पर, ठीक है, और वो जो था सिराजू दौला उसको जो है संधि करना पड़ गया। अल्पवयस्क था बेचारा, चारों तरफ से धोखा से घिरा हुआ था, तो क्या करता, उसने संधि कर ली, ठीक है। अब अली नगर की संधि जब हुई तब 9 फरवरी 1757 ईस्वी को, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि यह संधि हुई, और इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों का कलकत्ता पर पुनः अधिकार हो गया, और उसके बाद जो है
सिराजुद्दौला को कुछ हरजाना भी जो है उन लोगों को देना पड़ा। इसके अलावा अंग्रेजों को सिक्के ढालने की भी अनुमति मिल गई बंगाल में, और उसके बाद जो है आपका बाकी कुछ कामों की भी आज़ादी मिल गई, ठीक है, किलाबंदी करने की भी आज़ादी उनको मिल गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है आपका अलीनगर की संधि हुई 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। अब हम लोग देखेंगे पलासी का युद्ध जो कि हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। इसमें क्या हुआ कि 13 मार्च 1757 ईस्वी को अंग्रेजों ने फ्रांसिसियों से चंद्रनगर को छीन लिया। अब चंद्रनगर को छीनने के बाद अंग्रेजों का हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इधर जो है हम देखते हैं कि अलीनगर की संधि के बाद सिराजुद्दौला जो था वो कमज़ोर पड़ चुका था, उसका जो प्रशासन था वो थोड़ा सा ढीला पड़ने लगा था, ठीक है। तो इसका फ़ायदा उठा करके अंग्रेजों ने सोचा कि भैया हम लोग तो जीत ही रहे हैं, तो अब एक काम करेंगे कि बंगाल में अपना एक कठपुतली नवाब बैठा देंगे। वो ऐसा नवाब होगा कि भैया नाम मात्र का नवाब होगा, और जो भी हम कहेंगे उससे वो करेगा वो, और इस प्रकार से बंगाल का दोहन करेंगे, बंगाल में हमको व्यापार का पूरा अधिकार भी मिल जाएगा, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया क्लाइव ने कि जो इसके विरुद्ध थे सिराजुद्दौला के जो भी विरोधी थे, आपका राय दुर्लभ हो गया, सिताब राय हो गया, मीर जाफर हो गया, आपका घसीटी बेगम हो गई, जगत सेठ हो गया, इन सब के साथ मिलकर के उसने एक षड्यंत्र रचा, ठीक है। और षड्यंत्र रच करके और जो युद्ध होना था, जो 23 जून को युद्ध होना था, पलासी का युद्ध होना था, उस मैच की फिक्सिंग पहले ही कर ली। जिस प्रकार से आजकल डेट में मैच फिक्सिंग होता है आप जानवे करते हैं, क्रिकेट के मैच में किस प्रकार से फिक्सिंग होता है, आईपीएल में किस प्रकार से फिक्सिंग होता है ना, तो पहले से ही उस मैच को फिक्स कर लिया, और उसके बाद जो है फिर लड़ाई लड़ने चल दिया। अब लड़ाई तो शुरू हुआ 23 जून को शुरू हुआ, लेकिन क्या हुआ कि सिराजुद्दौला के पास बहुत ज्यादा सैनिक थे, 50,000 सैनिक थे, जबकि अंग्रेजों के पास कुछ ही सैनिक थे, 900 पैदल सैनिक और बाकी का जिक्र किया जाता है, ठीक है। अंग्रेजों के पास सैनिक जरूर कम थे, लगभग 3,000 के आसपास थे, जबकि नवाब के पास 50,000 की सेना थी। लेकिन क्या था, यहाँ पर गद्दार लोग बहुत थे, ठीक है। केवल दो ही जो का नाम आता है जो कि सिराजुद्दौला के पक्ष में लड़ रहे थे और देशभक्त थे, जिनका नाम था मीरन और आपका मीर मदान। पहला जो था वो मीर मदान था और दूसरा था मोहन लाल। यही दोनों जो थे वो वीर सिपाही थे जो कि सिराजुद्दौला के तरफ से शहीद हुए थे, और बाकी जो थे वो सैनिक भी शहीद हुए थे सिराजुद्दौला के तरफ से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने क्या किया, सबसे पहले दिन 23 जून को युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध शुरू होते ही मीर जाफर ने कुछ जो है कुटिल चाल चली और कुछ कह दिया सिराजुद्दौला को। अब सिराजुद्दौला ने क्या किया कि उस दिन का युद्ध स्थगित कर दिया, और कल के डेट में जब सिराजुद्दौला युद्ध करने पहुंचा तो देखता है कि जितने भी इसके विरोधी थे सब क्या किए, मतलब विरोधी कहने का मतलब है कि इसके दरबार के विरोधी, इसके उत्तराधिकार के विरोधी जितने लोग थे वो सब अपनी अपनी सेना लेकर के फुर्र हो गए, सब अपनी अपनी सेना लेकर के भाग गए, ठीक है। और इसके पास केवल जो है दो जो सेनापति थे इसके, मीर मदान और मोहनलाल बचे, और बाकी कुछ सैनिक बचे। सैनिकों की संख्या भी घट गई जब सब लोग अपन भाग गए, तो मीर जाफर तो इसके तरफ से था लेकिन लड़ किसके तरफ से रहा था, अंग्रेजों के तरफ से रहा था। तो इस प्रकार से इसको बहुत बड़ा धोखा दिया गया। यहाँ पर जो है आपका मीर मदान और मोहनलाल दोनों शहीद हो गए, और सिराजुद्दौला को वहाँ से भागना पड़ गया, और यह युद्ध जो है बिना लड़े ही केवल धोखे की बदौलत अंग्रेज जो है वो जीत गए, ठीक है। तो यह बहुत ही निर्णायक लड़ाई इसलिए थी क्योंकि धोखे की वजह से अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी भवन की नींव में पहला पत्थर यहीं से रखना शुरू किया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ था। युद्ध के बाद जो है नवाब क्या किया, नवाब जो है भाग करके मुर्शिदाबाद पहुंच गया। अब मुर्शिदाबाद पहुंचा, वहां पर क्या किया, मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन, उसने किसी की सहायता से उसकी हत्या करवा दी। किसकी सहायता से, तो मोहम्मद बेग के द्वारा उसकी हत्या करवा दी, ठीक है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि पलासी का युद्ध हुआ। पलासी युद्ध का के बाद क्या हुआ, यह भी समझना जरूरी है कि पलासी के युद्ध का क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ा बंगाल को। तो इसके बारे में सबसे पहले तो आप जानिए कि मेलसन ने लिखा है कि इतना तत्कालीन रूप से इतना अस्थाई और दूरगामी प्रभावशाली परिणाम देने वाला युद्ध जो था वह कोई नहीं था। और इसी युद्ध के बारे में, पलासी के युद्ध के बारे में ही इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि यहीं से भारत में मध्यकालीन इतिहास का अंत हो जाता है, मतलब मध्यकालीन भारत का अंत हो जाता है और आधुनिक भारत की यहीं से शुरुआत हो जाती है, ठीक है।
इसके बाद क्या हुआ, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और इस घटना को, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। ठीक है, बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। इसके अलावा मीर जाफर को क्लाइव का जैकॉल भी कहा जाता है। जैकॉल जो है वो गधा होता है और किसी किसान ने जो है मजाक में यह कहा था, लेकिन आज भी यह पूछा जाता है कि क्लाइव लॉर्ड का मतलब कि इसका क्लाइव का जैकॉल किसको कहा जाता है, तो वह मीर जाफर को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं तो युद्ध का परिणाम यह हुआ कि 24 परगना का जो आपका राइट था, अधिकार था, दीवानी राइट जो था, वह अंग्रेजों को मिल गया था। ठीक है, और इसके अलावा 1758 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी तक वर्धमान और नदिया के क्षेत्र भी जो है वो अंग्रेजों को मिल गए थे और इन सब पर उसकी जमींदारी हो गई थी। वर्धमान हो गया, नदिया का क्षेत्र हो गया, 24 परगना का क्षेत्र हो गया, इन सब पर जो है अंग्रेजों की जमींदारी कायम हो गई थी। ठीक है, और क्या क्या हुआ, और ये हुआ कि अंग्रेज जो थे वह अब केवल एक व्यापारिक कंपनी मात्र नहीं रह गए थे, बल्कि बंगाल में वो नृप निर्माता यानी कि राजा यानी कि शासक बनाने वाले की भूमिका में वो आ गए थे। जिसको चाहते थे उसको बंगाल का नवाब वो बना सकते थे, तो इतनी शक्ति जो थी वो कंपनी की हो गई थी, अंग्रेजों की हो गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं तो परिणाम ये हुआ कि यहाँ से अंग्रेजों को पता चल गया कि जो नवाब हैं या फिर जो शासक हैं वो आपस में ही लड़ते रहते हैं और आपस में ही फूट है, तो यहीं से फूट डालो और राज करो की नीति का सूत्रपात हुआ, जो कि जब तक अंग्रेज यहां से नहीं गए तब तक यह नीति उन्होंने अपनाई रखी। ठीक है, इसके अलावा कि और क्या हुआ, तो यहां से बंगाल का जो लूट प्रारंभ हुआ, बंगाल की समृद्धि को जो नजर लगी वह अंग्रेजों के जाने के तक जो है वह कायम रही। बंगाल का से जो है धन निष्कासन जो है एक तरह से शुरू हो गया। ठीक है, तो इस यहां पर हम देखते हैं कि पलासी के युद्ध का क्या क्या दुष्परिणाम भारत को भोगना पड़ा। अब यहाँ पर हम देखते हैं मीर जाफर के बारे में। ठीक है, मीर जाफर के बारे में यदि हम देखें तो 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध के बाद जैसे पहले ही तो आपका हो चुका था, मैच फिक्सिंग हो ही चुका था और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाना भी तय था, तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया अंग्रेजों ने। मीर जाफर जो था वह कठपुतली नवाब एक तरह से बन गया और अंग्रेजों ने क्या किया कि उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया सबसे पहले तो। इसके अलावा 17,50,000 रुपया जो था वह मीर जाफर को और देना पड़ गया। अब जितना भी राजस्व था या फिर खजाना था बंगाल का, वह धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों ने लूटना शुरू कर दिया, मतलब कि बार बार जो है धन की मांग करते रहते थे और मीर जाफर जो था इससे परेशान हो गया था। इसके अलावा अंग्रेज जो थे धीरे धीरे जो है अपने फैक्ट्री की किलाबंदी करते थे और बाकी जो सैन्य उनकी जो गतिविधियां थी वो भी बढ़ती जा रही थी, इससे भी जो था मीर जाफर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था और धीरे धीरे करके वो इतना ज़्यादा मतलब कि अक्षम हो गया कि वह अंग्रेजों की मांग को पूरा करने में असमर्थ हो गया। इसी के बीच जो है क्लाइव जो है वो चला गया, इंग्लैंड चला गया और उसकी जगह पर हालवेल आया। ठीक है, हालवेल ने क्या किया कि अब अंग्रेजों की मांग तो पूरी हो नहीं रही थी, तो हालवेल ने क्या किया कि नवाब पर मतलब कि इस पर कि मीर जाफर पर आरोप लगा दिया कि यह जो है डचों को संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, अब इससे तो मुक्त हो गया, लेकिन इसके बाद विंस टार्ट जो था वह आया बनकर के ये आपका गवर्नर बनकर के आया बंगाल का और उसने क्या किया कि मीर कासिम के साथ जो है समझौता कर लिया। मीर कासिम जो था वो मीर जाफर का दामाद था, उसके साथ उसने समझौता कर लिया कि भैया हमको जो है आप वर्धमान और दो और प्रांत था मिदनापुर और चिटगांव, इसका हमको जमींदारी दे दीजिए, इसका दीवानी राइट दे दीजिए और हम जो है मीर जाफर को हटा करके आपको बना देंगे हम बंगाल का नवाब। अब उसका जो है मतलब कि इधर सेटिंग हो गया था मीर कासिम से, उसने क्या किया मीर जाफर को किसी न किसी बहाने हटाने का ठान लिया। अब मीर जाफर को जब इस बात का पता चला तो उसने स्वयं गद्दी छोड़ दी और मीर कासिम को बना दिया गया कहाँ का, बंगाल का नवाब। मीर कासिम के बारे में यदि हम देखें तो 1760 से लेकर के 63 ईस्वी तक मीर कासिम जो था वह बंगाल का नवाब रहा। ठीक है, और इस घटना को 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को 1760 की क्रांति कहा जाता है, लेकिन इसके आगे तथा कथित
लगाना जरूरी है, क्योंकि यह क्रांति थी नहीं, मतलब जिसको असल क्रांति कहते हैं वो थी नहीं, क्योंकि इसमें बंगाल की जनता का कोई योगदान नहीं था, है ना। बंगाल क्रांति किसको कहते हैं, जिसमें जनता से आवाज उठती है, ठीक है, तो जनता का तो कोई योगदान नहीं था। दूसरा कि इसका कोई खास राजनीतिक प्रभाव नहीं हुआ था, पहले से सेटिंग थी केवल मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बना देना था, तो कोई भी अगर इसको क्रांति कहता है तो वह तथाकथित ही होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मीर कासिम के बारे में, ठीक है। तो मीर कासिम के बारे में यदि देखें तो अली वर्दी खां के उत्तराधिकारियों में, मीर कासिम जो था वह सबसे ज्यादा योग्य था। उसने सेटिंग तो कर ली थी, लेकिन अंग्रेजों की चाल को वो बहुत ही अच्छे से समझता था, और यही कारण था कि मुर्शिदाबाद से उसने अपनी राजधानी हटा करके मुंगेर में स्थानांतरित कर ली, ताकि वह मुर्शिदाबाद और कलकत्ता के जो मतलब कि दुर्भावनापूर्ण जो राजनीति थी उससे दूर रह सके। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपनी राजधानी बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर स्थापित कर ली थी। खास करके बीपीएससी में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि मुंगेर कहाँ है, बिहार में, ठीक है। तो याद जरूर रखिएगा ये पॉइंट। अब देखते हैं कि उसने बहुत सारे सुधार भी किए थे, उसने बहुत, ये आपका जो मीर कासिम था उसने बहुत सारी रणनीति बनाई और बहुत सारे सुधार भी किए थे, ठीक है। सबसे पहले तो उसने क्या किया कि जो मुंगेर था वहां पर तोप और बंदूक बनाने का कारखाना भी लगाया। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंगेर में तोप और बंदूक बनाने का कारखाना किसने लगाया था, ठीक है। तो यह आपका किसने किया था, मीर कासिम ने किया था। इसके बाद देखते हैं तो नया कर जिसका नाम था अबवाब, जो कि अबवाब अबवाब नाम का नया कर भी लगाया था इसने, ठीक है। यह जो था ऊपरी कर था, ठीक है, और पुराने कर जितने भी लगाए गए थे उसका 3/32 भाग और अधिक लेना जो है उसने एक्सेप्ट किया। मतलब पुराने जो कर थे उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया और एक नया कर जो है अबवाब नाम का नया कर इसने लगा दिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तो अधिकारियों के द्वारा बचत के रूप में खिजरी नामा नाम का जो कर था वह भी इसने वसूल करना शुरू किया। इसके बाद है कि अंग्रेजों के द्वारा दस्तकों का दुरुपयोग रोकने, दस्तक यानी कि फरमान एक तरह का होता है, एक परमिट होता है ना कि हाँ भैया आपको यहाँ पर जो है व्यापार करने की इजाज़त मिली हुई, तो उसी को यहाँ पर दस्तक कहा गया, ठीक है। तो अंग्रेजों के द्वारा जो दस्तक का दुरुपयोग किया जाता था उसको रोकने के लिए उसने 1763 में संपूर्ण बंगाल में मुक्त व्यापार कर दिया। व्यापार जो था वो मुक्त कर दिया, क्यों केवल आपके लिए रहेगा, क्यों केवल अंग्रेजों के लिए मुक्त व्यापार रहेगा, बाकी सब व्यापारी क्या है, तो सब के लिए जो है वो मुक्त व्यापार कर दिया 1763 में, ठीक है। और उसने क्या किया, सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक जर्मन अधिकारी जिसका नाम था वाल्टर रीन हार्ड उसकी नियुक्ति की थी, और यह जो था वाल्टर रीन हार्ड उसको समरू के नाम से जाना जाता है, समरू के नाम से यह प्रसिद्ध है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने जितने भी कदम उठाए उससे अंग्रेज जो थे वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, मतलब कि इससे ईर्ष्या करने लगे, बोले कि भैया हम तो कठपुतली नवाब के रूप में इसको सिटिंग करके बिठाए थे और ये तो अपना ही चाल चलने लगा। तो अब जो है अंग्रेज बौखला गए तो उन्होंने क्या किया कि इसके विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। इसी के बीच में क्या हुआ कि मीर कासिम ने जो है एक सूबेदार था, ठीक है, बिहार का एक सूबेदार था जिसका नाम था राम नारायण, बिहार का एक उप सूबेदार था जिसका नाम था राम नारायण, उसकी हत्या कर दी थी। अब राम नारायण को क्लाइव का संरक्षण प्राप्त था और मीर कासिम ने उसकी हत्या कर दी, तो अंग्रेज जो थे वो और ज्यादा क्षुब्ध हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि पटना के व्यापारी कोठी के प्रमुख एलिस नाम का पटना का जो अंग्रेजों का व्यापारी कोठी था उसका प्रमुख था, नाम था एलिस, उसने क्या किया कि पटना पर अधिकार करने का साजिश किया और अधिकार कर लिया। जब मीर कासिम को यह बात पता चली तो तुरंत वहां से मुंगेर से भागा आया और इसने एलिस को जो है सीधा खदेड़ दिया, वहां से मार के भगा दिया। अब उसको भगाया तो यहाँ पर जो है अंग्रेजों में जो है बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं चिंता की लहर उठ गई और अंग्रेज जो है अब मीर कासिम को हटाने के लिए एकदम तत्पर हो गए और उन्होंने क्या किया कि
आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया तो मीर कासिम जो था वो पराजित हो गया और वहां से उसको भागना पड़ा। मीर कासिम कहां गया, भाग करके फिर जो है अवध पहुंच गया। अवध पहुंच के उसने क्या किया कि अवध का नवाब था उस समय सुजाउद्दौला, और फिर जो है सुजाउद्दौला को लेकर के मुगल बादशाह के पास पहुंचा, शाह आलम द्वितीय के पास, और तीनों ने मिलकर के अपना गठबंधन बना लिया, मतलब गुट बना लिया, और फिर जो है वो सब मिलकर के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सामने आकर के डट गए। ठीक है, तो इस प्रकार से बक्सर के युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार हो गया। ठीक है, अब एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही मीर कासिम को उन्होंने खदेड़ा, उसके बाद फिर से मीर जाफर को, इसके बाद जो है मीर जाफर के बाद बना मीर कासिम। ठीक है, और मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफर को, यहां से फिर जो है मीर जाफर को बना दिया गया 65 तक। ठीक है, 1763 तक तो ये रहा, और 1763 से लेकर के 1765 तक फिर से मीर जाफर को ही दोबारा नवाब बना दिया गया बंगाल का। ठीक है, अब उधर मीर कासिम जो है वो पहुंच, वो अपना गुट बना लिया था। ठीक, लेकिन हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, याद रखिएगा किसने नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से, तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। ठीक है, पराजित कर दिया, और उसके बाद जो है आपका जो मीर कासिम था उसको भागना पड़ा। वह भाग करके जो है पहुंच गया आपका दिल्ली, और 1777 ईस्वी में दिल्ली में ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यहां पर एक चीज याद रखना जरूरी है, पलासी का युद्ध जहां विश्वासघात का परिणाम था, पलासी के युद्ध में विश्वासघात और धोखा हुआ था, गद्दारी की थी मीर जाफर ने, लेकिन यहां पर कोई गद्दारी नहीं हुई थी, कोई साजिश नहीं थी, यहां पर अंग्रेजों ने अपने सैन्य कौशल और आधुनिक हथियारों का परिचय दिया था। ठीक है, किस प्रकार से उनकी सेना आधुनिक थी, किस प्रकार से उनका जो शस्त्र अस्त्र था वो सब आधुनिक था, इसका परिचय अंग्रेजों ने दिया था, तो सैन्य कुशलता को अंग्रेजों ने यहां पर दर्शाया था, और इस युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों का जो है विधिवत, एक तरह से कह सकते हैं विधिवत राजनीति में प्रवेश हो गया था, भारतीय राजनीति में प्रवेश हो गया था। हालांकि उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं किया था, और वो यहाँ पर प्रशासन तैयार चलाने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने आगे नवाब बनाया, बंगाल का नवाब बनाया, और उसी के माध्यम से शासन किया, बंगाल में द्वैत शासन लगाया। ठीक है, लेकिन उससे पहले उन्होंने दो संधियाँ की, एक अवध के नवाब के साथ और एक मुगल बादशाह के साथ, और उन संधियों का क्या परिणाम हुआ यह हम लोग जरा देख लेते हैं। तो इन संधियों को कहा जाता है, अच्छा ये याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसका डेट बताना मैं भूल गया। ठीक है, अब पहला जो संधि था उसको इलाहाबाद का प्रथम संधि कहा जाता है। इसके तहत यह जो संधि हुआ था यह शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था। किसका, शाह आलम द्वितीय कौन था, आपका ये मुगल बादशाह था, तो शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था यह संधि, किसका, क्लाइव का। और इस पर जो है उस समय बंगाल का जो तत्कालिक नवाब था उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका नजमुद्दौला, जो कि मीर जाफर का पुत्र था। ठीक है, तो नजमुद्दौला, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने इस मतलब कि संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, यह याद रखिएगा। ठीक है, इसके तहत शाह आलम ने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार का जो दीवानी राइट था वह कंपनी को दे दिया, साथ ही करा और इलाहाबाद नाम का दो जिला जो था वह अवध के नवाब से लेकर के अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा, करा और इलाहाबाद, यह दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा मुगल सम्राट को 26 लाख प्रति वर्ष पेंशन देकर के फिर जो है भेज दिया गया कि भैया अब आपका काम खत्म है, अब आप जो है पेंशन लीजिए और उसके बाद जो है अपना ऐश कीजिए। ठीक है, और अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का जमींदारी मिल गया। इसके अलावा भी बहुत छोटा छोटा चीज था, लेकिन यह जो था करा और इलाहाबाद, और जो इसको पेंशन मिला 26 लाख आपका मुगल बादशाह को, यह जरूर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार था वह अंग्रेजों को मिल गया था। ठीक है, अब दूसरा संधि जो था इलाहाबाद का दूसरा संधि, अच्छा एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद का पहला जो संधि हुआ था वह 12 अगस्त 1765 को हुआ था, यह याद रखिएगा। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को हुआ था। ठीक है, और दूसरा जो संधि हुआ था वह 16 अगस्त को हुआ था, इसी के चार दिन के बाद 16 अगस्त 1765 को दूसरा संधि हुआ था, और यह संधि जो हुआ था वह हुआ था आपका अवध के नवाब के साथ। अवध के नवाब कौन था, सुजाउद्दौला था। ठीक है,
तो इसमें क्या हुआ कि अवध का राज्य जो करा और इलाहाबाद को छोड़कर है, अवध का जितना भी राज्य था वह अवध के नवाब को वापस लौटा दिया गया, लेकिन करा और इलाहाबाद तो आपका अंग्रेजों को मिल गया था तो उसको छोड़ दिया गया, ठीक है। इसके बाद कंपनी को अवध से 50 लाख रुपया प्राप्त हुआ और इसके अलावा चुनार का दुर्ग भी कंपनी को प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि वाराणसी एवं गाजीपुर क्षेत्रों में अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को शासन का अधिकार दिया गया। यह जो राजा था, राजा बलवंत सिंह, वह था तो अवध के नवाब के अधीन लेकिन अंग्रेजों की कठपुतली था, ठीक है, यह याद रखिएगा। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार की सुविधा भी प्राप्त हुई और इसके अलावा अवध की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेजी सेना जो थी वह तैनात कर दी गई, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो इस प्रकार से बक्सर के युद्ध के बारे में हम लोगों ने देखा, इसके परिणाम के बारे में देखा, हम लोगों ने इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि के बारे में भी देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या बंगाल में द्वैध शासन के बारे में। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1765 में हुई थी आपका, इसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद, और लगाया किसने था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था, सॉरी क्लाइव ने, केवल लॉर्ड क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो केवल क्लाइव समझिए कि क्लाइव ने लगाया था, ठीक है, 1765 में, ठीक है। और यह कब तक जारी रहा, तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने इसको हटाया था और तब तक यह जारी रहा था। इसी बीच 1770 में बंगाल में बहुत भयानक अकाल पड़ा था, ठीक है, लेकिन फिर भी द्वैध शासन के अंतर्गत कोई भी खास मदद नहीं की गई, बल्कि मतलब कि जब अकाल पड़ता है तो क्या करती है जनरली जो सरकार चलाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, टैक्स में थोड़ा छूट दे देते हैं कि भैया अकाल पड़ गया तो कहाँ से कोई टैक्स देगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया इन्होंने, उल्टा क्या किया कि अगले ही साल 10% टैक्स और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और इस प्रकार कलकत्ता की कहिए या बंगाल की कहिए, 1/3 यानी कि 1/3 जनसंख्या जो हुई इससे प्रभावित हुई और 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई। तो इतना भयानक अकाल पड़ा और द्वैध शासन का इतना ज़्यादा दुष्परिणाम हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि द्वैध शासन आखिर होता क्या है और द्वैध शासन क्यों लगाया अंग्रेजों ने, ठीक है, आखिर उन्होंने डायरेक्ट शासन में भाग क्यों नहीं लिया, क्योंकि जीत तो वो चुके थे, चाहते तो डायरेक्ट भी शासन कर सकते थे, लेकिन द्वैध शासन का उन्होंने क्यों सोचा, ठीक है, यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि अंग्रेज डायरेक्ट राजनीति में या फिर प्रशासन में भाग लेते, अगर वो आपका उत्तरदायित्व भी स्वीकार करते, तो हो सकता था कि बंगाल की जो जनता थी वह विद्रोह कर देती उनके खिलाफ, ठीक है, क्योंकि बराबर जो है वो नवाब को हटा रहे थे और वो कर रहे थे षड्यंत्र कर करके, वो नवाब तो बदल रहे थे, चलो ठीक है, नवाब तो उनके अपने थे, उनके अपने बीच के थे, जनता के अपने के बीच में थे, तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अंग्रेज तो नए थे ना, अंग्रेज तो बाहर से आए थे और बाहर से आकर के कोई आपकी जमीन पर जो है राज करने लगेगा तो जनता तो विद्रोह कर सकती थी। तो इसका डर था, अंग्रेजों को इस बात का डर था, वो इतने ज़्यादा मजबूत उस समय नहीं थे सैन्य रूप से या बाकी संसाधनों से कि जनता के विद्रोह को दबा सकते थे, ठीक। तो इस कारण से उन्होंने जो है डायरेक्ट सत्ता स्वीकार नहीं की, बल्कि नवाब के माध्यम से सत्ता स्वीकार करना जो है उचित समझा। इसके बाद देखते हैं कि यदि वो डायरेक्ट सत्ता पर काबिज हो जाते तो बाकी यूरोपीय जो थे वो भी कह सकते थे कि भैया आप तो कर देते नहीं हो तो हम भी कर नहीं देंगे, हमारा भी कर माफ करो, और वो लोग विरोधी हो सकते थे, ठीक है, तो इस कारण से भी। तीसरा क्या हुआ कि जो बंगाल का जो स्थानीय लोग थे उनकी भाषा हो गया, उनका जो रीति रिवाज था, यह सब तो अंग्रेजों को पता था नहीं, और इन सबको जाने बिना, इन सबको जाने बिना किसी पर आप कैसे शासन चला सकते हैं, तो ये जो था अंग्रेजों को उचित नहीं लगा और ये भी कारण था कि उन्होंने द्वैध शासन लगाया, ठीक है। अब एक और कारण जो इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि जो कंपनी को गवर्न करने वाला, कंपनी का प्रशासन चलाने वाला जो इंग्लैंड में बैठा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, उसको यह मंजूर नहीं था, उसको केवल पैसा से मतलब था, भैया बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, अब उसको तो पैसा से मतलब था। जो बंगाल को लूट रहे थे अंग्रेज, अगर डायरेक्ट प्रशासन में भाग लेने लगते तो उनको कुछ ना कुछ तो खर्चा भी करना पड़ता है ना, बंगाल के प्रशासन पर खर्चा करना पड़ता, जितना वो पहले लूट पा रहे थे एक व्यापारी के रूप में उतना लूट भी नहीं सकते थे। तो ये कारण था कि भैया अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी खुश करना है तो
ये कारण था कि उन्होंने डायरेक्ट प्रशासन में भाग नहीं लेकर के डायरेक्ट राजनीति न करके और नवाब के माध्यम से राजनीति करने की ठानी, और इसी को द्वैध शासन कहा जाता है, जहां पर अधिकार सारे अंग्रेजों के पास थे और उत्तरदायित्व तो यानी कि जिम्मेदारी जो थी वह किसके पास थी, बंगाल के नवाब के पास थी। तो इसी को द्वैध शासन कहा जाता है, जिसमें अधिकार को उत्तरदायित्व तो से पृथक कर दिया जाता है, पृथक मतलब अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं द्वैध शासन। अब देखते हैं कि द्वैध शासन का परिणाम क्या हुआ। तो सबसे पहले तो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वह चरमरा गई, क्योंकि पता ही नहीं चलता था भैया प्रशासन चला कौन रहा है, अंग्रेज चला रहे हैं, अंग्रेजों के पास सारा अधिकार था, उत्तरदायित्व तो जो था वह बंगाल का नवाब के पास था, और बंगाल का नवाब जो था वह तो भैया कठपुतली था। तो इस कारण से प्रशासनिक व्यवधान बहुत सारे आने लगे। इसके बाद देखते हैं तो कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ। कृषि के क्षेत्र में मैंने बताया ही कि जो ज्यादा बोली लगाता था उसी को कर वसूलने दे दिया जाता था, जितना किसान जाते थे उससे ज्यादा तो वो लोग कर में ले जाते थे। तो भैया किसानों की हालत तो खराब होनी ही थी। इसके अलावा वो अंग्रेज जो है वो अपनी मर्जी से फसल उगाने के लिए बोलते थे, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी लगी हुई थी। अब उनकी फैक्ट्री को कच्चा माल चाहिए था, तो जो कृषि उपज होती थी वो लोग चाहते थे कि बंगाल के जो किसान हो वो उनकी मर्जी से फसल उगाए और उनके फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति करें, ठीक है। तो इससे भी कृषि व्यवस्था में दिक्कत आई। व्यापार की बात करें तो व्यापार में भी हम लोग देख सकते हैं कि ढाका का मलमल, रेशम इत्यादि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। लोग खुद से कपड़ा बुन, मतलब हाथ से जो है रेशम के कपड़े बुनते थे और सूती कपड़े बुना करते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनकी फैक्ट्री लगी हुई थी भैया कपड़े बुनने की, तो उन्होंने क्या किया, बोला कि भैया आप जो है केवल रेशम का उत्पादन करो, कच्चा माल हमें दो और हम जो वहां पर जाकर के कपड़ा बनाएंगे और फिर वही कपड़ा आपको खरीदना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यापार में भी जो है उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत का उपयोग किया, जैसा कि आपका बाद में हम लोग पढ़ेंगे धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा किया और यहां पर जो है व्यापार को भी बहुत ज्यादा क्षति हुई, ठीक है। तो ये सब जो थे वह द्वैध शासन के दुष्परिणाम थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि क्लाइव जो था उसने कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए, मतलब कुछ सुधार भी किए थे बंगाल में आकर के जब वो गवर्नर बना था। तो उस सुधारों के बारे में हम लोग लास्ट सेक्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लाइव ने क्या किया, उपहार लेना बंद कर दिया। सबसे पहले जो भी गिफ्ट वगैरह आता था तो गिफ्ट दे करके लोग अपना अपना काम निकलवा कर लिया करते थे, तो वो बोला कि भैया गिफ्ट देना बंद। और इसके अलावा जो कंपनी के व्यापारी निजी व्यापार करते थे, बहुत सारे मतलब कि कंपनी में भी काम कर रहे हैं और निजी रूप से भी काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर को आप देखते हैं कि भैया हॉस्पिटल में भी काम करता है और अपना जो निजी उसका जो प्राइवेट अपना क्लिनिक है वो भी चलाता है। तो ये इस काम को बंद कर दिया भैया, इस काम को बंद करवा दिया कि आप जो है कंपनी में यदि काम करते हो तो निजी व्यापार आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद उसने क्या किया कि ये जो प्रतिबंध थे उससे जो क्षतिपूर्ति होनी थी, मतलब कि इन प्रतिबंधों से जो आय की कमी हुई, ठीक है, अब जो मतलब कि निजी व्यापार करते थे उनको आय होती थी, ठीक है, तो वो तो बंद हो गया। तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए उसने क्या किया, 1765 ईस्वी में कंपनी के कार्यकर्ताओं का एक बोर्ड बना दिया, ठीक है, व्यापार समिति बना दिया, जिसको कहा गया सोसाइटी फॉर ट्रेड, ठीक है, सोसाइटी फॉर ट्रेड बना दिया। और इसको जो है नमक सुपारी और तंबाकू के व्यापार का एक अधिकार दे दिया कि भैया नमक सुपारी और तंबाकू का व्यापार केवल यही करेगी, ठीक है, जो कि आपका सोसाइटी फॉर ट्रेड थी, ठीक है। और उससे जो आय होता था वह कंपनी के कार्यकर्ताओं में उनके पद के अनुसार बांट दिया, ठीक है। तो यह सिस्टम अच्छा था कि आप अपना अपना निजी व्यापार ना करो, आप सबके बदले जो है सोसाइटी फॉर ट्रेड व्यापार करेगी और उससे जो भी आय होगी उसको आपके पद के अनुसार जो है वो आप में वितरित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यह एक सुधार उसने किया था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो क्लाइव ने 1766 ईस्वी में सैनिकों को जो दोहरा भत्ता दिया जाता था उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। केवल जो बिहार और बंगाल के सीमा पर तैनात सैनिक थे उन्हीं को, बिहार और बंगाल की सीमा पर जो तैनात सैनिक थे केवल उन्हीं को दोहरा भत्ता दिया जाता था, बाकी किसी को दोहरा भत्ता नहीं दिया जाता था, ठीक है। अब कुछ अधिकारियों ने इसके विरुद्ध जो है त्याग पत्र करने की मतलब कि त्याग पत्र देने की धमकी दी, बोले कि भैया हम रिजाइन कर देंगे, और विद्रोह कर दिया। और इसी को लास्ट में, लास्ट लाइन बता रहा हूँ कि इसी को श्वेत विद्रोह का नाम दिया गया है, श्वेत विद्रोह कहा गया है।
ठीक है। तो यहाँ पर बंगाल का इतिहास जो है मेरी तरफ से समाप्त होता है। थोड़ा बहुत जो है आप किताबों में देख लीजिएगा, सारे पॉइंट्स को समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, आपका 95% क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो है जो कि आपके पहले पूछे जा चुके हैं, वो मैं टेस्ट सीरीज में कवर कर दूंगा। आप जानते हैं कि टेस्ट सीरीज भी चालू हो गया है, हर चैप्टर जो भी मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वो सबका टेस्ट सीरीज जो है वो आता जाएगा। तो जब इस चैप्टर का टेस्ट सीरीज आएगा उसमें जितने भी पुराने पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं कवर कर दूंगा, तो आपका कंप्लीट पढ़ाई हो जाएगा। और इसके बाद जो है 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपने ये वीडियो पूरा समझा होगा, आपको बंगाल का इतिहास जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने कहानी बना करके समझाने की कोशिश की है अपनी तरफ से। तो यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कोई समस्या हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी का आइकॉन दबा दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली जितने भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे, ठीक है। यदि आपको जीएस और करेंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए पीसीएस स्टैंडर्ड का, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9525360283 पर। और एक लास्ट सूचना कि 21 तारीख से बीपीएससी का पीटी और मेंस का स्पेशल बैच 67th बीपीएससी के लिए शुरू हो रहा है, जो कि अक्टूबर में पीटी उसका होने वाला है। यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9525360283 पर, और मात्र 2500 रुपया इसका शुल्क है, 9 महीने का पूरा कोर्स है, ठीक है। 9 महीने में बच्चा भी जन्म ले लेता है और 9 महीने में आपका भी एक नया जन्म होने वाला है, ठीक है, इस पूरे कोर्स के बाद, ठीक है। तो वीडियो को लंबा न करते हुए अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम।